चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदी के, कविता के इस अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या एक और दो के उत्तर दीजिए। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। यानी पेड़ होते तो कितने मज़े हमारे होते और क्या करते, उसके तने में रस्सी बांध करके चाहे जहाँ उसे बांध कर ले जाते। अगर सचमुच पेड़ में चलते होते तो क्या होते, हमको अच्छा नहीं लगता, हम उसे बांध कर अपने साथ ले जाते, हम डर जाते, हम पेड़ों से दूर रहते। ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ पे आपको देने होंगे। सेकंड, यदि पेड़ चलते रहते, यदि सचमुच चलते, ये तो कल्पना की बात हो रही है, यदि सचमुच चलते रहते हैं तो हम पेड़ों से दूर रहते, चूँकि हम जहाँ रहते वहाँ से पेड़ फिर आगे निकल जाते, वो चलते रहते। तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे सही। इस कविता के अनुसार यदि देखें तो पेड़ों को हमें बांध कर कहीं भी ले जा सकते थे, ठीक है हम, लेकिन पेड़ यदि सचमुच चलते तो हमें पेड़ों से काफ़ी दूर रहते, चूँकि आप जहाँ रहते वहाँ से फिर पेड़ आगे निकल जाता। मज़ा शब्द का क्या अर्थ, मज़ा मतलब आनंद, मज़ा का मतलब आनंद, तो ऑप्शन नंबर सी आप देंगे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से फल स्वाद में खट्टे होते हैं, कम से कम चार फलों के नाम लिखें। ठीक है, कम से कम चार फल के नाम लिखें, जैसे आप नींबू और क्या क्या हो सकते हैं आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आंवला, आम कच्चा रहता है तो वो भी खट्टे लगते हैं। ठीक है, संतरा, ये भी खट्टे लगते हैं, तो ये सब फल आप लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए, आम पक जाता है तो मीठा लगता है, लेकिन कच्चा में वो खट्टा लगता है। ठीक है, तो फल में वो भी लिख दिए, दो नंबर यहाँ आपको मिल गए। अब देखिए अगला प्रश्न है, इन अक्षरों से अर्थ वाले शब्द बनाइए, इन अक्षरों से अर्थ वाले शब्द बनाइए। देखिए र उ प है तो क्या हो जाएगा, उ प र ऊपर हो जाएगा। देखिए न चाय क य तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ चा न क। ठीक है, ये दोनों लिख लिए, आप इसे लिख लें, फिर अगला मैं बताऊँगा। ऊपर और अचानक हो गए, फिर तीन नंबर देखते हैं, तीन नंबर आपको बताता हूँ। तीन नंबर जो है देखिए यहाँ पे र धू म तो क्या हो जाएगा, मधुर। ठीक है, स का आ तो क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, ये शब्द बन गए। ठीक है, चलिए आप इसे लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, अगला है, आकाश में चांद कब दिखाई देता है, क्या वह हमेशा एक समान होता है। देखिए आकाश में चांद दिखाई देता है, हमेशा वो एक समान नहीं रहता है। देखिए आकाश में चांद अमावस्या के बाद से, अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक, अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक चांद आकाश में दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है ये देखिए, इंग्लिश आ गए आपके, इंग्लिश आ गए तो इंग्लिश के प्रश्न को भी हल करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश के प्रश्न को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउन, तो देखिए खाली जगह है, यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन भरना है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही जो है सही होगा, यानी एक ए नंबर आंसर आपके सही होंगे। तो आंसर देखो, ही जो है ना प्रोनाउन, तो ही इज़ राम कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। री राइट द गिवन सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द
जेंडर नाउन। तो जेंडर नाउन को चेंज करते हुए ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसको फिर से लिखना होगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए देखिए, ग्रैंड फादर है ना, यहाँ सिर्फ आप ग्रैंड मदर लिख देंगे। देखिए, माय ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर गैव मी दिस वॉच, पूरा रहेगा वही, सिर्फ ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड मदर लिख देंगे, ठीक है। मैं स्क्रीन आपको बता देता हूँ, ग्रैंड ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड मदर लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे मतलब, तो यहाँ से यहाँ तक में बाकी सभी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। चलिए अगला जो है, अगला लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ कंप्लीट सेंटेंस। वन हु स्टिचेस योर क्लॉथ, तो वन हु स्टिचेस योर क्लॉथ्स उसे क्या कहते हैं, तो इन अ कंप्लीट सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो देखिए, आ टेलर, TALOR, टेलर स्टिचेस योर क्लॉथ, ठीक है। अ टेलर स्टिचेस योर क्लॉथ, एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आंसर रूप में देखा जाए तो यहाँ टेलर दे देंगे, TALOR यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच स्टेट डज महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग टू, तो महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं झारखंड से, तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, यहाँ तक लिख लें महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद में बताता हूँ आंसर, यहीं पे लिख देता हूँ, बिलोंग्स टू झारखंड, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी पहले लिखवाए और उसी में जोड़ दें बिलोंग्स टू झारखंड, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर देना चाहेंगे तो यहाँ पे आप झारखंड लिख सकते हैं। चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट गेम्स फॉर फन विच गेम्स डू चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, तो देखिए क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, ये सभी गेम्स जो चिल्ड्रेन पार्क में खेलते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अगला है, राइट टू लाइन्स ऑन महेंद्र सिंह धोनी इज अ क्रिकेटर, ठीक है, आप लिख देंगे एम एस धोनी इज अ क्रिकेटर। दूसरा है, दूसरा लाइन भी आप लिख सकते हैं, एम एस धोनी लिव्स इन रांची, ठीक है, आप लिख देंगे। चलिए आंसर आपके सही हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गणित के, गणित के प्रश्न है, ये जो संख्या दी हुई ना विकल्प, इसको बढ़ते क्रम में लिखना, तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा 28, उसके बाद 32, उसके बाद 34, उसके बाद 46, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए ये बढ़ते क्रम में, 28 के बाद फिर 32 के बाद फिर 34 फिर 46, अब देखिए 96 और 34 को जोड़ने पे कितना मिलता है, अब देखिए यहीं पे जोड़ दीजिए, 34 को जोड़िए कितना मिलेगा, यहाँ शून्य हो गया, 9 3 12 और 1 13, ठीक है, 130, तो 130 जहाँ पे है आप आंसर लिख दोगे बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 सैकड़ा 5 दहाई और 3 इकाई और 3 सैकड़ा 2 दहाई और 5 इकाई को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में था, 2 सैकड़ा 5 दहाई 3 इकाई
और यहाँ पे देखें 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 5 इकाई, इनको जोड़ने पे कितना मिलेगा। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, इनको जोड़िएगा ऐसे करके, ठीक है, इनको जोड़िए। देखिए इधर के जोड़, इधर वाला जोड़ने पे 553 आता है, इधर वाला जोड़ने पे 325 आता है, और टोटल जोड़ने पे 578 आता है। ये आपके आंसर हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है, 736 और 127 को जोड़ने पे कितना मिलेगा। देखिए 736 और 127 जोड़ने पे मिलेगा कितना, देखो 6 7 13 के 3 8 में 1, 3 2 5 और 1 6 और 7 और 1 8, 863 मिलेगा, ठीक है। चार नंबर का आंसर तो यहाँ पे लिख देंगे आप 863। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसी गांव में 438 पुरुष, 412 महिला और 77 बच्चे हैं, तो गांव में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसके लिए चार नंबर है, सभी को जोड़ देंगे तो कुल व्यक्ति मिल जाएगा 438, 412 और 77, इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। 8 2 10 और 17 के साथ, हाथ में एक बचा। देखिए 3 और 1 4 7 11 और 1 12 के 2, हाथ में एक बचा। 4 4 8 और 1 9, तो 927 इसका सही आंसर होगा, 927। ये पुरुष को, महिला को और बच्चे को जोड़ दिए तो 927 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है वो आपके सामने है पर्यावरण अध्ययन से, ठीक है। इनमें से किसके कारण हमारे आसपास का वातावरण साफ हो जाता है, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो गए, चील, गिद्ध और कौवे मरे हुए जंतुओं को खा जाते हैं, इस कारण से हमारे वातावरण साफ रहता है। मरे हुए जंतु रहेंगे तो वातावरण गंदा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें सही। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखें, हमारे आसपास के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, ये तो सही लग रहा है। घर के प्रत्येक सदस्य को घर का काम नहीं करना चाहिए, गलत है। अपने पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा संबंध एवं सहयोग की भावना नहीं रखनी चाहिए, गलत है। पढ़ाई कम, घर के काम ज़्यादा करना चाहिए, गलत है। तो ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आप अपने दोस्त के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, किन्हीं 4 खेलों के नाम बोलें। तो आप नाम लिख दें, जैसे आप क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है, और फुटबॉल भी खेलते हैं। आप लिख देंगे फुटबॉल भी लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, और जो आप खेल खेलते हैं लिख सकते हैं, कबड्डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर आपके हो गए। अगला है, आप अपने घर में क्या क्या करते हैं, किन्हीं 4 कामों के नाम लिखिए। तो पढ़ाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद खेलते हैं, घर के अंदर भी खेलते हैं, खेल करते हैं और काम करना। तो काम करने में और कुछ दे सकते हैं आप, काम करने में मदद करना आप दे सकते हैं, किसी का भी मदद करना, तो वो भी एक तरह से काम हुआ। चलिए बहुत अच्छा, अगला है, दी गई तालिका में लिखिए पौधे से मिलने वाले खाने की चीज़ें। तो फल, जड़, फूल, ये सब खाने की चीज़ें, जंतुओं से मिलने वाले खाने वाली चीज़ें। तो मीट, दूध, ठीक है, ये सभी मिल जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा,